So, hey, what's up guys? Welcome back to the channel. आज हम बात करेंगे ओडिशा इंडस्ट्री की मच अवेटेड मूवी जो कि 95 लाख के बजट में बना हुआ है, लेकिन इसको देख के लगता नहीं है, देख के लगता है कि 50-60 करोड़ में तो इसको बना ही होगा। जिस तरीके से इसको क्रिएट किया गया, जिस तरीके से इसको बनाया गया, जिस तरीके से डिलीवर किया गया, भाई साहब अलग लेवल तबाही। इसी 95 लाख के बजट में बना हुआ यह मूवी अभी पूरे इंडिया के अंदर छा रहा है, जस्ट उसका ओरिजिनल लैंग्वेज और इंग्लिश सबटाइटल के साथ सभी लोगों ने अपना लिया है इस मूवी को। अभी भाई साहब ये तबाही करेगा। और इसी के साथ जितने भी भाई लोग अभी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़ा तगड़ा अपडेट यहाँ पे हिंदी को लेके मिला है। जितने भी लोग वेट कर रहे, शायद से आप लोगों का वेट यानी इंतजार काफी लंबा हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और वीडियो को यहां से कट करके तो बिल्कुल ना चाहिएगा, पूरा अपडेट यहाँ पे करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दमन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो 11th ऑफ नवंबर को ओडिशा के बाहर रिलीज हुआ था, 4th ऑफ नवंबर को ये ओडिशा के अंदर रिलीज हुआ था, और 11th ऑफ नवंबर को ओडिशा के बाहर जितने भी जगह पर रिलीज हुआ अभी तक इसको 10 डे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट 10 डेज के अंदर दमन मूवी का ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 12.25 लाख रुपीज, मतलब लगभग 12.5 लाख रुपीज का कलेक्शन अपने 10 दिनों के अंदर ये कंप्लीट कर चुका। तो हम आ जाते हैं आज के दिन के यानी डे 11 की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को शोज बता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जहां पे एक एक शो लगा हुआ है। बात करें बेंगलुरु की जहां पे ये क्रेज अभी भी कर रहा है, पहले 10 से लेके 12 शो थे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, 8 शो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करें हैदराबाद की तो यहाँ पे भी पहले 5 शोज थे, अभी 3 शोज देखने को मिल रहे हैं। चेन्नई की बात करें तो 1 शोज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं आज के दिन यानी डे 11 के ऊपर, और आज के दिन लगभग ये 1 लाख का कलेक्शन करता हुआ नजर आया। और कुछ जगह पे मैंने ये भी देखा है कि आज के दिन दमन मूवी ने 95,000 का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ फर्स्ट 11 डेज के अंदर अगर 95,000 किया होगा तो 13 लाख, अगर 1 लाख का किया होगा तो 14 लाख ये टोटल कमा चुका है। और अब हम आ जाते हैं हिंदी अपडेट के ऊपर। अपडेट के अकॉर्डिंग दमन मूवी का जो हिंदी रिलीज डेट है उसको भी पोस्टपोन किया जाएगा। और अभी इसका सीधा रीजन यही है कि फिलहाल अभी बॉलीवुड के अंदर 2 बड़े मूवी रिलीज होने वाले हैं। पहला तो रिलीज हो चुका है दृश्यम 2, और दूसरा भेड़िया जो कि रिलीज होने वाला है। तो फिलहाल अभी दृश्यम 2 को काफी बढ़िया नहीं भाई, काफी खतरनाक स्क्रीन्स जो है उसको मिल चुके हैं, कह सकते हो सभी शोज जो है अभी दृश्यम 2 को मिल चुके हैं, क्योंकि और इसके तरफ से काफी बढ़िया सपोर्ट और प्यार इसको देखने को मिल रहा है। और जब भेड़िया रिलीज होगा तो उसको भी काफी अच्छे स्क्रीन्स मिलेंगे, तो दोनों ही एकदम खचाखच स्क्रीन लेके यहां पे बैठ जाएंगे। तो अभी आप कहो कि इसके अंदर ओडिया का एक मूवी उसको कैसे स्क्रीन्स मिलने वाला है, तो ये अभी काफी चलने वाला है। तो इसी के कारण मेकर्स ने डिसीजन लिया है कि अभी इसको यहाँ पे पोस्टपोन करने वाले, यानी इसको अभी थोड़ा आगे ले जाने वाले इसके हिंदी डब को। और जब भी हम इसको रिलीज करेंगे, मेकर्स का भी कहना है कि मैक्सिमम 400 से लेके 500 के स्क्रीन के ऊपर इसको रिलीज करना है, और 500 स्क्रीन के ऊपर तब रिलीज कर पाएंगे जब वो लोग स्क्रीन दे पाएंगे, यानी जब कोई मूवी नहीं लगा होगा। और अपडेट के अकॉर्डिंग अभी जो हिंदी ट्रेलर नवंबर के लास्ट में आने वाला था वो अभी नहीं आने वाला, वो अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर शायद से आ सकता है, और मूवी कहीं ना कहीं चलते चलते आपको दिसंबर के लास्ट में देखने को मिलेगा। तो अब तक हिंदी को लेके इतना ही एक छोटा सा अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी और मेरे को पता चलता है, कुछ और अपडेट निकल के आता है तो सबसे पहले आपको पता है कि दमन मूवी को लेकर हर अपडेट चैनल के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे मेरे को अपडेट मिलता है मैं जरूर से आपको अपडेट कर देने वाला हूँ। तो अभी छोटा सा ये हिंदी का अपडेट था ऐसा देखने को मिल रहा है, तो जैसे ही कुछ होगा मैं जरूर से आपको अपडेट कर देने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या राय है, क्या इसको रिलीज करना चाहिए या फिर थोड़ा पोस्टपोन करके आराम से इसको रिलीज करना चाहिए, जब कुछ नहीं होगा अच्छी तरह से रिलीज होगा और अलग लेवल का माहौल मचाएगा। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।